आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। आगरा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। नौकरी देने के बहाने युवती को बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। थाना मलपुरा में सनसनीखेज का मामला सामने आया है। नौकरी देने के बहाने युवती को बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में थाना मलपुरा क्षेत्र में आरोपी फेंक कर भाग गए। होश में आने पर पीड़िता ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने पीड़िता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। पीड़िता का थाना मलपुरा पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता ने न्यायालय में बयान होने और मेडिकल होने के बावजूद भी पुलिस आरोपी को जेल नहीं भेज रही है। आखिर में दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपी को थाना मलपुरा पुलिस क्यों दे रही है संरक्षण? दुष्कर्म के आरोपी को 15 दिन के बाद भी जेल नहीं भेजना थाना मलपुरा पुलिस की कार्यशैली पर लगा रहा है प्रश्न चिन्ह। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाने के लिए एसएसपी का दरवाजा खटखटाया। आखिर देखना ये होगा कि एसएसपी कब तक पीड़िता को न्याय दिला पाते हैं। क्या घटना हुई? जॉब दिलाने के बहाने सोना आशुतोष ने मुझे बुलाया और वहाँ पे धोखे से मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद में वो मुझे ले गया और मुझे चक्कर आने लगे। चक्कर आने के बाद में मुझे नहीं पता कि कहाँ लेके गया कहाँ नहीं। उसने मेरे साथ गलत काम किया और मुझे फेंक दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, कॉल की, उन्होंने लोकेशन मांगी। फिर मैंने लोकेशन बताई तो भमरौली पे, वहाँ से फिर मुझे पुलिस लेके गई और मुझे एडमिट कराया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद दूसरे दिन मैं वहाँ थाने, मुझे पुलिस लेके गई और फिर वहाँ पे मैंने अपनी जो है शिकायत दर्ज कराई। और आज 15 दिन हो गए इस बात को। मैं पुलिस के यहाँ रोज़ चक्कर लगा रही हूँ, बार बार जा रही हूँ और 15 दिन से अभी तक आरोपी को पकड़ के रखा है। एसएसपी के यहाँ पे भी गई थी मैं, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेडिकल हो गया, कोर्ट में बयान भी हो गए, सारे काम हो गए, लेकिन अपराधी को अभी तक जेल नहीं भेजा जा रहा है, थाने में ही बंद करके रखा है। तुमने अपनी आंखों से देखा है? जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।